अराउंड मेरे ख्याल से 200 स्टूडेंट्स होंगे अराउंड। आपकी वॉइस मुझसे कम है, वाई सो? सेड लाउडली, ठीक है, मुंह से आवाज निकलनी चाहिए, अंदर थोड़े ना बोले गुड मॉर्निंग, नहीं गुड मॉर्निंग मैम, ठीक है, लाइक दिस। तो नाउ फर्स्टली सेटल डाउन एवरीवन, सब आराम से फटाफट सेटल हो जाओ, और सबके जो डेस्क है उसमें सिर्फ स्टेम की नोटबुक पेन पेंसिल होना चाहिए, नथिंग एल्स, बाकी सब बैग के अंदर रखो। डेस्क, अपने डेस्क के ऊपर जो है सामान नहीं रखना फालतू का, जस्ट जी यस। हाँ बेटा, सिर्फ आपने अपनी नोटबुक एंड पेन पेंसिल, जस्ट कीप दीज थिंग्स, नथिंग एल्स, जी बाकी सब चीजें अपने बैग के अंदर रखो। आई डोंट वॉन्ट टू सी एनीथिंग एल्स। यस, सो यस, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। ओके, सो बिफोर वी स्टार्टिंग आवर सेशन, आई कैन सी यू ऑल आर वेयरिंग व्हाइट कलर यूनिफॉर्म, यस और नो? Yes. Are wearing white dress? Yes. Okay, who can tell me what is the meaning of the uniform? Simple, it's a simple question that I'm asking you. What do you mean by uniform? And why do we wear uniform? क्यों यूनिफॉर्म पहनते हैं? Who can tell me why there is a necessity to wear uniform? आप अपने घर के कपड़े आराम से क्यों नहीं याद करोगे? बेटा 8D बहुत शोर आ रहा है, 8D प्लीज बी साइलेंट। किसी ने अगर आंसर बोला है जस्ट रेज योर हैंड, आई विल कॉल यू, ठीक है, कोई शोर नहीं मचाएगा। इफ आई एम आस्किंग समथिंग एंड यू नो द आंसर, जस्ट रेज योर हैंड, आई कैन सी एंड आई विल कॉल यू, ठीक है? यस, 8D 8G, फर्स्ट बेंच जी। टू रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट द स्कूल, यस यू कैन से दैट, टू रिप्रेजेंट द स्कूल, एंड ऑल्सो वेन यू आर वेयरिंग योर स्कूल यूनिफॉर्म, ओके, सो यू ऑल बिलोंग टू सेम स्कूल। कोई ऐसा नहीं लगेगा कोई उस घर से आया है, कोई उस सेक्टर से आया, या उस जगह से आया, उस कॉलोनी से आया, नथिंग, यू ऑल बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, इजंट इट? सिर्फ आपके स्कूल के ड्रेस के बेसिस पे हम कह सकते हैं ये एमआरसी के स्टूडेंट है, यस? सो दैट बेसिकली टेल अस दैट दीज स्टूडेंट्स और दीज सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम एमआरसी, ठीक है? तो आप सब एक जैसे लगते हो, दैट्स व्हाई यू वेयर यूनिफॉर्म। बट कई बार ऐसा होता है यू वेयर डिफरेंट योर हाउसेस, है ना, हाउस असाइन है आपको, सो समटाइम्स यू वेयर रेड कलर टी शर्ट, ब्लू कलर टी शर्ट और येलो, वट एवर द कलर कोड यू हैव गिवन, है ना? सो उस टाइम क्या होता है, यू आर इन सेम स्कूल बट नाउ देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, है ना, एक जैसे नहीं लगते, कुछ रेड लगते हैं, कुछ ब्लू, कुछ येलो, कुछ ऑरेंज, है ना, इस तरह का। अब मुझे बता सकते हैं इसको क्या कहते हैं, जब हमें डिफरेंसेस दिखते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट? नॉन नॉन यूनिफॉर्म, ओके, ऑपोजिट ऑफ यूनिफॉर्म इज नॉन यूनिफॉर्म, ओके दैट्स फाइन, बट ये जो हमें कलर्स में डिफरेंस लग रहा है, व्हाट डू वी कॉल इट? सिमिलर ओके, इट इज कॉल्ड वेरिएशन, इट इज कॉल्ड वेरिएशन। सो वेरिएशन मींस डिफरेंस। अब आपको कलर में डिफरेंस दिख रहा है, कलर्स में वेरिएशन दिख रही है, ठीक है, अभी आपने व्हाइट पहना है, लेकिन जब आप डिफरेंट हाउसेस के जो है शर्ट्स पहनते हो, दैट टाइम वी कैन सी द वेरिएशन इन योर यूनिफॉर्म, ओके, सो वेरिएशन मींस डिफरेंस, ओके। नाउ टेल मी, इन नेचर, इफ वी आस्क यू, इन नेचर इज एनीथिंग दैट शो अस वेरिएशन? कोई वेरिएशन हमें नेचर में मिलती है? वेरिएशन यस बेटा, 8G, यस 8G, यस जी सेक्शन,
Variation in weather. Variation in the weather. Yes. Especially if you experience today only. Yesterday it was not so cold. But today it's cold. ठीक है? So you itself experience this thing that there is a variation in the temperature. And even you notice that. Is there any variation in daytime and nighttime temperature? Yes or no? Yes. Yes. So who can tell me what do we call? जो हमारे जो night में सबसे जो कम temperature आता है, down हो जाता है ना night में, और जो दिन में बढ़ता है, उसको क्या कहते हैं? What do we call it? अगर आपने weather forecasting को देखा होगा, you must have, you know, seen that thing also. What is mentioned there? अगर मैं आज का कहूँ, let's take an example कि day time में जो आज का टेम्परेचर जाएगा मैक्सिमम जा सकता है दैट इज 28 डिग्री सेल्सियस एंड इन नाइट इट्स 16 डिग्री सेल्सियस सो व्हाट डू वी कॉल इट इवन आई हैव गिवन यू हिंट आल्सो व्हेन आई वाज राइटिंग दिस यस 16 डिग्री लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट एंड 28 डिग्री लीस्ट हीटिंग पॉइंट हाईएस्ट ओके ओके अब मैं लिखती हूँ तो आपको याद आ जाएगा यू मस्ट रिकॉल दैट मैक्सिमम टेम्परेचर इट इज मेंशन एज मैक्सिमम टेम्परेचर एंड इट इज मेंशन एज मिनिमम टेम्परेचर सो मिनिमम इज बेसिकली एट नाइट और स्पेशली व्हेन इट्स अराउंड 4 to 5 इन द मॉर्निंग and maximum mostly you know after 12 o'clock around 3 o'clock theek hai so that is what now there is variation in nature also you must have experienced hai na temperature mein variation hame dekhne ko mil rahi hai even agar hum garmiyon mein ya fir hum bhi sardiyan aa rahi hai isi mein dekh lete hain abhi hamare punjab mein it's cold or we can say cold is approaching or winter is approaching but if you go to goa do you think there will be same temperature yes if you go to goa no so there would be temperature would be different weather would be different hai na so here you can see that it's a variation that we are talking about but why we are discussing about variation Why we are discussing about variation? Okay, next thing, variation सबको समझ आ गया अब मुझे बताओ जो आप सब बैठे हो भी यहां पर you all are sitting here, do you think you are exactly like your parents? Are you exactly like your parents? Like how your parents are look like and how they work and how they talk, how they do things. Are you replica of your parents? Yes. AJ ke alawa baki students ko bhi answer aana chahiye. Yes. Eighth Banit is there. Eighth A Banit. Yes, beta. What do you think? We are just like our parents or different? Different. We are different. Even though we are product of our parents only, yes? Yes. Yes. Okay, sit down. Sit down. Arshpreet. 8th is Arshpreet, aajo. Yes. So, what we said, ki we are different from our parents. Theek hai? अब हमारे सिबलिंग्स होते हैं हु नोज व्हाट इज सिबलिंग्स हैंड रेज करो सिबलिंग्स क्या होता है पहले तो बताओ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिबलिंग्स ब्रदर सिस्टर्स सो पहले बेटा ये छोटी छोटी टर्म्स लिखो राइट डाउन अबाउट सिबलिंग्स चलो क्योंकि मुझे हाथ नहीं दिखे थे किसी के खड़े हुए राइट डाउन अबाउट द सिबलिंग्स लिखो ए पर्सन
Write down a person, person's brother or sister, brother or sister, a person's brother or sister, with whom they share, with whom they share their biological parents, their biological parents, with whom they share their biological parents. तो अगर मेरा कोई सिबलिंग है, ठीक है, या कोई अगर यहाँ पर मैं किसी को कहती हूँ दिस गर्ल और दिस बॉय इज माई सिबलिंग, वाई आई एम कॉलिंग दैट पर्सन माई सिबलिंग, बिकॉज आर पेरेंट्स आर कॉमन, हमारे जो मम्मा पापा हैं बोथ आर सेम, दैट्स वाई दैट पर्सन इज माई सिबलिंग. ऐसा नहीं कि आपका कजन आ जाए तो दैट इज योर सिबलिंग, नो दैट इज नॉट योर सिबलिंग, बिकॉज देअर पेरेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स. सो सिबलिंग तभी होगा वेन योर पेरेंट्स आर कॉमन, ओके, सो दैट टाइम यू कैन से दिस इज माई सिबलिंग. ओके, सो मैंने किसको बुलाया था 8th से, अर्शप्रीत. सो बेटा यू हैव सिबलिंग अर्शप्रीत. ओके, सो योर सिबलिंग इज जस्ट लाइक यू, नो नो, इवन दो यू बोथ हैव कॉमन पेरेंट्स, है ना? यस, यस ओके, सिट डाउन. नाउ पहले मैंने बुलाया बनीत को, फिर मैंने बुलाया अर्शप्रीत को, दोनों से मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? बट आई आस्क देम टू क्वेश्चंस. बनीत से मैंने पूछा क्या वो अपने पेरेंट्स की तरह है, ही सेड नो. देन आई आस्क अर्शप्रीत डू यू हैव एनी सिबलिंग, ही सेड यस. फिर मैंने क्या पूछा, क्या वो आप ही की तरह है, ही सेड नो. अब आप देखो कॉमन पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनसे जो चिल्ड्रंस हुए हैं वन टू और मैनी, ठीक है, वी सपोज हम ये सोचते हैं क्योंकि वो इनके पेरेंट्स हैं, इनके बच्चे हैं, तो वो एक जैसे दिखने चाहिए. बट हियर ऑल्सो इन चाइल्ड वन एंड चाइल्ड टू देर इज वेरिएशन, उन दोनों में भी डिफरेंस होता है. दे डू नॉट बिहेव और दे डू नॉट लुक लाइक सेम, ओके, सो दैट इज बिकॉज ऑफ वेरिएशन, एंड वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल टेल यू लेटर ऑन, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगी. सो जो भी चीज आगे बन रही है, अगर अर्थ में, ठीक है, अगर हम अर्थ में बात करें, कोई भी ऑर्गेनिज्म आगे हमें दिख रहा है, लाइक वी कैन से मंकीज, वी कैन से डॉग्स, कैट्स, स्पैरोस, पिजन, ह्यूमंस, वट एवर वी कैन सी अराउंड अस, व्हाई? बिकॉज दे आर ग्रोइंग, वो बार बार बन रहे हैं. कैसे बन रहे हैं? थ्रू रिप्रोडक्शन. किस मेथड के थ्रू बन रहे हैं? थ्रू रिप्रोडक्शन. बट हियर रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स. हु कैन टेल मी द टू टाइप्स, बिकॉज यू ऑलरेडी डन दिस चैप्टर इन योर क्लास. सो फ्रॉम रिप्रोडक्शन एट्थ ए अमानत, टेल मी द टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड. मैम एसेक्सुअल और सेक्सुअल गुड, सिट डाउन बेटा. बाकी सब नोट करो, बाकी सबने नोट करना है. सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, ठीक है. कमिंग टू एट बी आकाश, एट बी आकाश,
ओके सो एक भी आकाश बेटा बताओ व्हाट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लास में आपके हो चुका है चैप्टर? यस इट्स ऑलरेडी यस बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। माइक सब अपना माइक मत उठाया करो, माइक को वहीं रहने दिया करो। मैं भी वही माइक यूज कर रही हूँ बट आई एम नॉट होल्डिंग इट, उसको डेस्क पे ही रहने दो। सिर्फ आपने ऑन करना होता है देन स्पीक अप। ठीक है बेटा नीचे वाहन ने पेरेंट्स इन्वॉल्व सीधा खड़े हो गए आराम से बोलो, वो अपने आप पिक कर लेगा माइक आपकी आवाज। नीचे वाहन ने पेरेंट्स इन्वॉल्व Only one parent is involved. That's good. Sit down, ठीक है? First point is one parent is involved. Only one parent is involved. Now coming to Abhijot 8th B. अब जोत एट बी, यू टेल मी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टू पेरेंट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, सिट डाउन। यस सो इन सेक्सुअल टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ओके नाउ सेकेंड पॉइंट इज व्हाट। सो फॉर दैट आई एम कॉलिंग एट बी उपासना। उपासना एट बी इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव मी सेकेंड पॉइंट। मैम, गैमेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। गैमेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड बट व्हाट डू यू मीन बाय गैमेट्स। मैम, रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ मेल एंड फीमेल। रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ मेल एंड फीमेल, दैट्स राइट, दैट्स गुड। ओके बिफोर वी कम टू द गैमेट्स, अभी हम गैमेट्स तक नहीं पहुंचेंगे, ठीक है? वी आर नॉट जंपिंग इनटू गैमेट्स, दैट्स राइट, यू आर राइट उपासना, बट वी आर कमिंग टू सम नॉर्मल, ऊपर ऊपर से भी पहले इसको समझते हैं, देन वी विल गो इनटू द डीप, ठीक है? सो यस सिट डाउन बेटा। सो इन एसेक्सुअल जो पेरेंट है वो कैसे ऑफस्प्रिंग बनाता है। ऑफस्प्रिंग क्या होता है, स्टार करके लिखो ब्रैकेट में, ऑफस्प्रिंग होता है चिल्ड्रन, बच्चे जो होते हैं उनको ऑफस्प्रिंग कहते हैं। ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग आर चिल्ड्रन, साइंस में ऑफस्प्रिंग चिल्ड्रन को कहते हैं, ठीक है? सो यू शुड नो दिस टर्म, आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए क्योंकि लेटर ऑन यू आर गोइंग टू डील विद दीज टर्म्स, ठीक है, इन हायर क्लासेस। सो हियर वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, नाउ हाउ दैट वन पेरेंट विल गिव बर्थ टू ऑफ स्प्रिंग्स। सो हियर द पेरेंट इज गोइंग टू डिवाइड। अब जो पेरेंट है वो डिवाइड होगा। सपोज फर्स्टली हम लिख लेते हैं, देन आई विल टेल यू, ठीक है? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड थ्रू सेल डिवीजन जो हमारे पास पेरेंट है। सपोज दिस इज अ पेरेंट, ये पूरा एक पेरेंट है, इसने ऑफस्प्रिंग बनाना है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। डिवाइड हुआ, हियर यू कैन सी, यहां से डिवाइड होके हमारे पास टू ऑफस्प्रिंग्स आ गए। हमें और चाहिए,
It is again going to divide. Here you can see now four offsprings. But if you notice, जो हमारे पास ओरिजिनल पेरेंट था, एग्जैक्टली ऑफस्प्रिंग्स आर लाइक दिस, सेम कलर, सेम टेक्सचर, एवरीथिंग इज सेम. दे आर जस्ट, वी कैन से रेप्लिका, और वी कैन से जीरोक्स कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स. गॉट इट? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? यस यस. सो दैट इज व्हाट वी मेंट बाय सेल डिवीजन, या फिर डिवाइड हो रहे हैं. तो डिवाइड होके वो छोटे छोटे और ऑफस्प्रिंग्स बना रहे हैं. ठीक है, कमिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ हियर सेल इज, सेल डिवाइड होते हैं, बॉडी के अंदर वाले होते हैं, पेरेंट डिवाइड नहीं हो रहा यहाँ पर. ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है जो उपासना ने टर्म यूज की थी, गैमेट्स, दैट इज मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स. ठीक है, जो कि हम लेटर ऑन पढ़ेंगे स्पर्म्स एंड एग्स के बारे में. ठीक है, अभी नहीं, अभी हम वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग दीज टर्म्स. सो हियर यू कैन राइट डाउन फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. सभी लिखो बेटा, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, सो यू शुड वेल अवेयर ऑफ दिस. ठीक है, लिखोगे नहीं तो ऐसा नहीं रहेगा कि आपको याद रहेगा लास्ट टाइम तक. तो जो एस एक्चुअल में आपको यहां मैंने सेल डिवीजन का बताया, उसका आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल दैट हैपन्स इन अमीबा. सो राइट डाउन अमीबा. राइट डाउन अमीबा. सो अमीबा शेप इज नॉट रेगुलर शेप, इट्स लाइक दिस. अमीबा लुक्स लाइक दिस. एंड हियर इन द सेंटर अमीबा हैव न्यूक्लियस. ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज सेल, और वी कैन से सेल बॉडी. ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, क्या होगा सबसे पहले अगर इसको अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाने हैं. नाउ हियर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मैम न्यूक्लियस फर्स्ट यस यस. सो फर्स्टली व्हाट व्हाट इज गोइंग टू डिवाइड? फर्स्टली इट्स ओके, फर्स्टली इट्स न्यूक्लियस, इट्स न्यूक्लियस दैट इज गोइंग टू डिवाइड. यहां पर सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा. ठीक है, जब ये प्रोसेस हो जाएगा, व्हेन न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, सो यहां पर हमारा जो सेल का साइटोप्लाज्म है दैट इज गोइंग टू डिवाइड. हियर नाउ न्यूक्लियस, वी हैव टू न्यूक्लियस हियर. नाउ साइटोप्लाज्म इज डिवाइडिंग. अब मुझे पहले बताओ, यू नो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? रेज योर हैंड, बिकॉज आपके पास सेल चैप्टर यू ऑलरेडी डिड ना. सो आई होप और एज्यूम दैट यू आर अवेयर ऑफ साइटोप्लाज्म टर्म. यस, रेज योर हैंड इफ यू आर अवेयर ऑफ साइटोप्लाज्म. यस बेटा, साइटोप्लाज्म पढ़ा नहीं आपने अभी तक? सेल नो चैप्टर आपका हुआ नहीं अभी? नो तो आपने लास्ट सेवेंथ क्लास में भी साइटोप्लाज्म वगैरह कहीं नहीं पढ़ा होगा? नो बिफोर. सो डू यू नो व्हाट इज न्यूक्लियस देन? डू यू नो व्हाट इज सेल देन? हमारा ये चैप्टर शुरू हो गया है हमने बट इन योर क्लास फिफ्थ देयर इज अ सेल चैप्टर.
In class fifth, from fifth class, you are reading or learning about this. What is cell? So again, I'm firstly giving you a quick recap of what is cell. हमारी बॉडी किसकी बनी है? सेल की बनी है। उसको हम कैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं? अगर मेरे पास मैंने वॉल बनानी है, अपने घर की वॉल बनानी है, व्हाट आई नीड? ब्रिक्स, सीमेंट, तो ब्रिक्स से वॉल बनेगी, वॉल से एक मेरा घर बनेगा, है ना? सिमिलरली आर बॉडी इज मेड अप ऑफ व्हाट? सेल्स। अब वो सेल्स इकट्ठे हो के जो है हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं, दैट यू विल लर्न योर चैप्टर ओनली। अब जो सेल है उसके अंदर कुछ होता है, ये हमारा सेल है, पहले उसकी कवरिंग होगी, ठीक है? ह्यूमंस में सेल वॉल नहीं होती, तो हमारी जो कवरिंग होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इट्स अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? अब अंदर यहां पर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल, जो हमारा डीएनए है, जो हमारे अंदर जीन्स हैं, वो सब कहाँ प्रेजेंट है? दीज आर प्रेजेंट हियर इन द न्यूक्लियस, ओके? इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब जो हमारे सेल के अंदर और भी बहुत सी चीजें हैं, जो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू राइट नाउ, ठीक है? उसको होल्ड करने के लिए और जो चीजें इधर से उधर भेजने के लिए, देयर इज ए फ्लूड, जेली लाइक, जस्ट लाइक जेली, दैट इज साइटोप्लाज्म। हियर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। सो इसको हम थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। सबने एग देखा है? यस, एग सभी ने देखा होगा, यस और नो? अब जो एग की व्हाइट लेयर है, जो थोड़ी सी हार्ड होती है, उसको आप सेल मेम्ब्रेन मान लो, ठीक है? अभी के लिए जब आप तोड़ते हो तो एग से दो चीजें निकलती है, जब हम एग को ब्रेक करते हैं, व्हाट वी गेट? एक तो हमें येलो पार्ट दिखता है, यस, येलो पार्ट आता है जिसको हम एग योक कहते हैं। सो योक इज जस्ट लाइक न्यूक्लियस। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूं, ठीक है? तो आपको याद रहे क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है। सो योक इज जस्ट लाइक न्यूक्लियस, और जो फ्लूइड होता है, जो व्हाइट पार्ट ऑफ एग हम कहते हैं, दैट इज लाइक साइटोप्लाज्म। फ्लूड सा होता है ना, चिपका चिपका सा होता है, यस और नो? यस और नो? यस तो साइटोप्लाज्म इज लाइक दैट ओनली, ठीक है? दैट इज अराउंड द न्यूक्लियस और इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। गॉट इट? गॉट इट? नाउ यस इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। सो फर्स्टली न्यूक्लियस, वेयर डीएनए इज प्रेजेंट। जो डीएनए क्या होता है, जो हमारी सारी बॉडी में क्या हो रहा है, कैसे इंफॉर्मेशन जाएगी आगे से आगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, मतलब पेरेंट्स से हम तक जो चीजें आ रही हैं, ठीक है, वो कौन लेके आता है? जो हमारे डीएनए है, ठीक है? हम कहते हैं ना डीएनए मैच करता है पेरेंट्स का और बच्चों का, ठीक है? वो न्यूक्लियस में होता है। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, देन साइटोप्लाज्म विल डिवाइड, एंड वंस साइटोप्लाज्म डिवाइड, वी गेट टू ऑफ स्प्रिंग्स। फिर हमें यहाँ पर दो ऑफ स्प्रिंग्स मिल जाएंगे, जो कि एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह होंगे। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्टली जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, क्योंकि वो एकदम अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं डॉटर। अब इनको हम कहेंगे डॉटर अमीबा। ठीक है? सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट सेल डिवीजन और यू नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा टेक्स प्लेस। ठीक है? अब मैंने एक वर्ड रेप्लिका यूज कर रही हूं, समटाइम्स आई एम यूजिंग अ वर्ड क्लोन। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड क्लोन? क्या होता है क्लोन? एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम। सो हाउ कैन वी राइट डाउन दिस? लाइक अगर हमने लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे बेटा? सेम ओके, सो नेक्स्ट टर्म लिखो क्लोन, राइट डाउन द टर्म क्लोन।
Rate of the term clone. देखो, it is an exact copy, it is an exact copy of a plant or an animal, of a plant or animal. अब इसको ब्रैकेट में लिखो बेटा, ब्रैकेट में लिखो. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय It is produced by one of its cells. It is produced by one of its cells by scientific method. By scientific method. ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज. सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट थिंग. तो अभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमने थोड़ा सा किया और क्लोन हमें पता लग गया जो एकदम वैसा दिखे. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया, बिट्टो के एग्जाम्पल हियर. सो नाउ दीज आर द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ पेरेंट, ऑल आर लुकिंग सेम, है ना, एक जैसे लग रहे हैं. हम नहीं कह सकते ना फर्स्ट कौन सा है, सेकेंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, बिकॉज ऑल आर लुकिंग सेम. ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. अभी हमने वेरिएशन किया, हमने सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया. नाउ जस्ट अज्यूम, यू हैव टू अज्यूम नाउ, ठीक है, देयर आर टू फैमिलीज और वी कैन से टू केस. ओके, केस वन एंड दिस इज केस टू. Now in case one, there is only one parent. Here two parents. Now they produce offsprings. As I told you, what is offsprings? Can both produce offspring. Now from the class 8C, Gagandeep, come forward and tell me what do you mean by offspring. 8C Gagandeep, aajo beta. Yes, Gagandeep is present. Yes. Okay. So now, Gagandeep, tell me what do you mean by offspring? मैंने आपको बताया क्या होता है offspring? बेटा your voice is not coming. माइक ऑफ है, रेड दिख रहा है बेटा, टर्न इट ऑन. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, बाकी पीछे जो बच्चे जितना शोर मचा रहे हैं सबकी आ रही है. प्लीज टीचर इज देयर? यस प्लीज टीचर हेल्प हिम आउट. सेक्शन सी सेक्शन. मैम चिल्ड्रन. Children, yes, that's good. Sit down, beta. Yes, that's right. Yes. So, offsprings means children. ठीक है? That's right. Now, moving ahead. So, we have taken two cases. One, where one parent is there. In second case, we have two parents. ठीक है?
and both produced offsprings. Now, here is the result outcome, or we can say what kind of or what type of properties or characteristics these offsprings are having now. So here you can see, okay, if we say they produce 10 offsprings each in each category, okay, now what is going to happen when only one parent is involved? ठीक है, one parent involved है तो कौन सी type की reproduction है? 8C से कार्तिक, tell me. अगर one parent is involved तो इस reproduction को हम क्या कहेंगे? Asexual. Asexual, that's right, it is called asexual. Now in asexual, because here one parent is involved, so all offsprings are same, okay, they are similar. We can say they are sensitive to, just take example, sensitive to COVID or any flu, okay, that is we can say. Now in case of second, okay, where two parents are involved, 10 offsprings are produced, but they are not same, okay, they are different from each other, they are different from each other. And because they are different from each other, so we can say that some are sensitive and some are resistant to COVID. अब हमें ये दो केस मिल गए, ठीक है, एसेक्चुअल और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के. नाउ अज्यूम, यू हैव टू अज्यूम, ठीक है, देयर इज कोविड आउटब्रेक, ठीक है, कोविड आया. अब आपको क्या लगता है कौन से केस में, इन विच केस, ठीक है, जो सर्वाइवल है वो ज्यादा होगा, केस वन और केस टू? फॉर दैट आई एम कॉलिंग 8D प्रभजोत, 8D डी सेक्शन, डी सेक्शन प्रभजोत. यस बेटा, आ जाओ. नाउ टेल मी, इवन यू कैन राइट डाउन दिस क्वेश्चन. कोविड वायरस अराइव्ड इन द सिटी, कोविड वायरस अराइव्ड इन द सिटी, विच फैमिली हैज मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड व्हाई? यस प्रभजोत, 8D प्रभजोत मैम, टू सेकेंड केस, व्हाई बेटा? यस यू आर राइट, सेकेंड केस, दैट इज द करेक्ट आंसर, बट व्हाई? कैन यू टेल मी द रीजन? मैम आई डोंट नो, यू डोंट नो, ओके. सो फ्रॉम सेम क्लास शगुन प्रीत इज देयर. Can you tell me the reason of this answer? Why it is correct? Yes, Shagun Preet. Do you know the answer, beta? Yes or no? Say it. Ma'am, because there is two parents are involved. Yes, two parents are involved, and because of that, there is a variation, है ना? Yes. Variation है. So answer is this only. So write down, beta. So yes, case two has more chances of survival. Case two has more chances of survival because. Because offsprings are produced by two parents
In bracket, you can write down variation is there and then bracket close. In bracket, variation is there, then bracket close. So next question के लिए same class 8 date जशन come forward. जशन. Which type of reproduction produce variation? Which type of you can all बाकी सब लिखो बेटा. Which type of reproduction produce variation? सेक्सुअल Sexual reproduction. Yes, that's good. Sit down. That's good. Sit down, बेटा. Eighth E Gurjot. Eighth E Gurjot. Now listen it carefully. As our environment changes time to time, as our environment changes time to time, like drought happen, flood, है ना? Then heat wave, disease outbreak, etc. Which organisms continue to survive at least few in numbers, sexually or asexually reproducing? Sexually reproducing, yes, that's good. Sit down. Coming to same section, Gurpreet. Gurpreet, beta, आ जाओ. Gurpreet. बाकी सब इन क्वेश्चंस को लिखोगे जो मैं बोल रही हूँ, राइट डाउन बेटा. गुरप्रीत, बाकी सब लिखो इस क्वेश्चन को. विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेटर? विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेटर इन सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स? इज बेटर इन सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम? फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेटर इन सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम? सो यस गुरप्रीत, टेल मी द आंसर. यस बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यस, सो आंसर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सिट डाउन, दैट्स गुड. एट्थ एफ अंगद इज देयर. एट्थ एफ अंगद. यस, सो दे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. लिसन इट केयरफुली और बाकी सब लिखो. विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स लेस टाइम? Which type of reproduction takes less time and produce clone of the offsprings? And produce clone of the offsprings. Again, I am repeating it. Which type of reproduction takes less time and produce clone of the offsprings? Yes, मैं सेक्सुअल Asexual, that's correct. Sit down, beta. Yes. तो यहाँ पर हमने क्लोन वर्ड यूज कर लिया. We use clone word. और मैंने आपको बता चुकी हूँ. I have told you what do you mean by clone. ठीक है? It's an exact copy of the parent. ठीक है? और asexual में because only one parent is involved, so the reproduction process is fast as compared to sexual reproduction. ठीक है? Now लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एट्थ जी दिशांत. एट्थ जी दिशांत, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन? व्हाई वी आर रीडिंग दिस चैप्टर? व्हाई वी आर डूइंग दिस चैप्टर? देयर मस्ट बी सम वेटेज, सम वैल्यू, है ना? दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग और वी आर कवरिंग दिस चैप्टर ना. So this chapter is on reproduction. And my question is, what is the function of reproduction? अगर कोई ऑर्गेनिज्म, जस्ट इमेजिन, कोई एक्सवाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता, मतलब आगे अपने ऑफस्प्रिंग्स नहीं बनाता, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? क्या होगा? यस बेटा, यस, डू यू वॉन्ट टू आंसर? ओके,
अभी नूर इज देयर, अभी नूर, अभी नूर, यस बेटा आप आ जाओ. सेम क्वेश्चन फॉर यू, सेम क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन? यस बेटा आपकी वॉइस नहीं आ रही. बेटा डेस्क पे की, ये जो माइक है इसको डेस्क पे ही रखो, ठीक है? अब बोलो आराम से, रिपीट द क्वेश्चन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन? बाकी सब लिखो इसे. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन? मैम इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्पीशीज. 8D से मुझे आंसर आया. किसने बोला बेटा ये? मैम अनामिका. अनामिका. सो यस वी कैन से दैट टू इंक्रीज, बट जस्ट इमेजिन. अभी आप सोचो, बैठ बैठ जाओ बेटा, दिशांत से दो. अब आप सोचो, ये जो आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म है, सपोज कर लो किसी एक ही फैक्ट्री में बनती है, वो फैक्ट्री बनाना बंद कर दे, क्या हो जाएगा? सिर्फ हम इमेजिन करना है, और कोई है ही नहीं फैक्ट्री जो एक ड्रेस बनाती है, सिर्फ एक फैक्ट्री है जो बनाती है. अब उसने बंद कर दिया आपके लिए यूनिफॉर्म बनाना, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा? नो यूनिफॉर्म. शॉर्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नो यूनिफॉर्म. आपको ये यूनिफॉर्म ही नहीं दिखेगी कहीं मार्केट में, है ना? सेम थिंग. अगर सपोज कर लो, अगर स्पैरोज जो है, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ स्पैरोज, वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो क्या होगा? देयर इज नो कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पैरो. यस, हम कहेंगे स्पैरो तो है ही नहीं. यस, सो फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज वी नीड रिप्रोडक्शन. राइट डाउन द आंसर. फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज रिप्रोडक्शन इज मस्ट, रिप्रोडक्शन इज मस्ट. और इसी से लास्ट एक टर्म है स्पीशीज जो इसमें लिखी है. कौन बताएगा इसको? 8G से हर्विका इज देयर. हर्विका एब्सेंट. ओके, कौन मुझे हैंड रेस कर लो, कौन बताएगा? देन दिस अ ओपन क्वेश्चन. हर्विका इज प्रेजेंट. अच्छा हर्विका इज देयर. यस हर्विका, यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय स्पीशीज? मैम सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग. दैट्स गुड, दैट्स गुड. सिट डाउन बेटा. सो यस एवरीवन, जिनको नहीं आता नोट डाउन स्पीशीज. सो स्पीशीज आर ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दैट कैन ब्रीड, दैट कैन ब्रीड. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी मेंट बाय स्पीशीज. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन. टुडे इट वाज जस्ट अ ब्रीफ सेशन, इंट्रोडक्टरी सेशन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन. ओके, सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. ओके, सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय. कॉलिंग करेंगे.